अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआगू हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी कमाई में, आपके रिस्क में बरकत दे। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज मैं गई थी PIM, मुझे बैंक में थोड़ा सा काम था, कुछ सेविंग थी वो जमा करवानी थी। तो उसके बाद मैंने कहा कुछ स्नैक्स वगैरह परचेज़ कर लिए जाएँ, क्योंकि स्नैक्स बिल्कुल एंड हो गए थे। तो मैंने जो है सिस्टर से कहा उल्टा रूट पड़ेगा अगर हम जो हैं रहीम स्टोर या उमर पे जाएंगे, तो यहाँ पर है इश्तियाक संस तो उस पर चलते हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, बेशक हमें यहाँ से बुरे एक्सपीरियंस हुए, बट कुछ चीज़ें लेनी है, उस स्टोर से भी लेनी है, इससे भी लेनी, वही प्राइस है। तो फिर हम लोग चले गए थे इश्तियाक संस पे और वहाँ से हम लोगों ने ये कुछ स्नैक्स परचेज किए हैं। तो ये देखें, ये नॉकआउट वालों का है, पेप्सी का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं पहले भी लेकर आई थी। और ये इसका बारबेक्यू टेक्सास, इन्होंने न्यू फ्लेवर निकाला है। देन जो है पेप्रिका है लेज़ वालों का। उसके बाद जो है हमने परचेज़ की है स्लान्टी, और स्लान्टी की मेरी एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देन जो है बेसिकली जो हमने लेनी थी वो थी निम्की। ये होल फूड्स वालों की है निम्को, पिकनिक के नाम से, क्रिस्पी होती है और फ्रेश होती है। तो ये लेने के लिए हम लोग गए थे, तो मैंने और स्नैक्स परचेज कर लिए। इसके अलावा जो देन फिर मुझे वहाँ पे ये कॉर्नीज वालों के टॉफ़ी पॉपकॉर्न नज़र आए, तो ये मैंने ट्राई किया था। फिर मैंने कहा अच्छा, मुझे जो है मेट्रो जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं। सो ये कॉफ़ी पॉपकॉर्न्स मैंने ले ली और ये काफ़ी क्रिस्पी थे, कैरमल फ्लेवर है ये। ये परचेज किया है, इसको थोड़ा सा मैं जब पीछे हूँ। और सेकेंडली वहाँ पे मुझे जो है पॉपनोश वालों के स्पाइसी जलोपिनो नज़र आए, ये मैं लास्ट वीक लेकर आई थी मेट्रो से। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये चीज़ें तो यहाँ वापडा टाउन भी मिल रही हैं और मैं इतनी दूर गई हूँ मॉडल टाउन बड़े पैक्स लेने के लिए, क्योंकि बहुत अरसा हुआ मैं इश्तियाक संस पर नहीं आई थी। इसका रीज़न ये था कि चंद साल पहले जब ये न्यू स्टोर यहाँ पर ओपन हुआ था, तो इनके वर्कर्स बहुत ज़्यादा अजीब थे। तो कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए जाते थे, वो जो है सर पे आकर खड़े हो जाते थे, इस तरह जैसे यहाँ पे उनके स्टोर में जो भी विज़िट कर रहा है वो पिक पॉकेटर है, कुछ भी उठा लेगा बग़ैर पे किए। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, इवन कैम्प्स भी लगे हुए होते हैं। तो आज भी इसी तरह हुआ, जैसे हम ये स्नैक्स वाली रॉ में आए हैं तो तीन बंदे आकर वहाँ पर तीनों खड़े हो गए, मैंने लिटरली उनको इग्नोर कर दिया, मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मुझे फ़ील हुआ और मैं जस्ट वहाँ पर अपनी चीज़ें वगैरह देख रही थी। तो मैंने इसी वजह से इस स्टोर पे जाना छोड़ा था कि जो जिस तरह इसका ओनर अजीब है ना, उसी तरह के वर्कर्स भी अजीब हैं। अब ओनर किस तरह अजीब है कि इनका जो ओनर है उन्होंने एक ब्रांच खोली हुई है जिम की PIA पंजाब सोसाइटी में, ठीक है। और वो जिम मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ की भी मैनेजमेंट पुअर है और जो इनका स्टोर है इश्तियाक संस इसकी तो इंतहाई पुअर मैनेजमेंट है। इनके रिसिप्ट पे लिखा होता है कि रिफ़ंड और एक्सचेंज विद इन 7 डेज, इवन 5 मिनट्स के बाद आप जाओ तो ये इतनी बहस करेंगे नहीं जी हम तो ये रिफ़ंड कर ही नहीं रहे, इवन दिखाओ कि ये रिसिप्ट है 5 मिनट्स पहले गए, नहीं आप एक्सचेंज में अच्छे चले एक्सचेंज में ले लें, अब कोई और चीज़ लो तो वो भी नाक मुँह चढ़ाते हैं। मेरे साथ लास्ट एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने इनसे एक प्रिकली हीट क्रीम ली और मैं 5 मिनट्स के बाद वापस आई, मैंने कहा ये ना चेंज कर दें, मुझे क्रीम नहीं चाहिए, तो मुझे इसके बदले में कुछ और दे दें। पहले तो कहानी हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, मैंने कहा कोई 1 वीक नहीं हुआ जिस मुझे 5 मिनट्स हुए हैं यहाँ से गए हुए, तो मैं इसकी जगह पर ये ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है आप ले लें, मैंने कहा मैं कोई
पहली दफ़ा तो आई नहीं हूँ, जब से स्टोर ओपन हुआ है हम लोग तब से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसमें ना जब मैंने दूसरी प्रोडक्ट परचेज़ की तो मेरे 40 रुपीज़ बच रहे थे, मुझे था ये शायद 40 रुपीज़ जो है वापस कर दें, तो उसमें भी नहीं जी हम पैसे तो वापस नहीं करेंगे, 40 रुपीज़ की भी कोई और चीज़ ली, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। फिर मैंने जो है वहाँ से 40 रुपीज़ के स्नैक्स परचेज़ किए, तो ये बिटर एक्सपीरियंस है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे ही कहते हैं कि जैसा सरदार वैसी अवाम, जैसा बाबा आदम वैसे ही उसके लोग, तो ये चीज़ ये मुहावरा इन लोगों पे सादिक आता है। तो क्योंकि मुझे इनके ओनर से भी काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस हुआ है जिम की मैनेजमेंट के ड्यूरेशन में, तो इस वजह से मुझे वैसे भी इनकी सर्विस नहीं पसंद है इश्तियाक सेंस की, बट मेरी मजबूरी थी, मुझे स्नैक्स वगैरह लेने थे, घर में टोटली स्नैक्स ख़त्म थे, और मॉडल टाउन जाना जो है वो पूरा आपको हाफ डे निकालना है, और चूँकि हम लोग जौहर टाउन से भी बहुत आगे आ गए तो मेरे लिए बहुत दूर पड़ता है, कन्वेंस का भी काफ़ी इशू होता है। खैर मैंने ये चीज़ें परचेज़ की, इसके अलावा जो है मैंने कुछ टिकी पैक्स थे वो मैंने परचेज़ किए हैं। तो ये टिकी पैक्स मुझे बाकी स्टोर्स पर नज़र नहीं आए थे, तो मैंने परचेज़ कर लिए। तो देखें मैंने क्या क्या परचेज़ किया, मैरी एज यूजुअल चाय में ना डूबने वाला बिस्किट, और इसके बाद जो हैं ये हिलाल वालों की मिनी केक्स हैं चॉकलेट फ्लेवर में, तो ये इतने ही थे इनके पास, ये मैंने परचेज़ किए हैं। देन जो है पिक्रिम्स वालों ने न्यू आई थिंक निकाला है चॉकोलावा, इसमें चॉकलेट फिल्ड ये कुकीज़ हैं और उसके ऊपर जो है चॉकलेट चिप्स लगे होंगे, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। सो मैंने टिकी पैक्स ले लिए, मुझे नहीं पता कि इनका फ्लेवर क्या है, इसको यहाँ पे करते हैं। और इसके बाद जो है बिस्पानी वालों के चॉकलेट चिप थिंस, तो ये भी मैंने कहीं पर नहीं देखे थे न्यू फ्लेवर, ये मैंने परचेज़ कर लिए। देन जी एज यूजुअल हमारे आ जाते हैं चाय वाले बिस्किट पार्टी, इसका भी टिकी पैक मैंने ले लिया क्योंकि जो हाफ रोल थे मोस्टली क्रैक्ड थे, तो फ़ायदा नहीं, बेशक आपने ये चीज़ तोड़ के खानी है लेकिन ये क्या है कि जब आपने गेस्ट के आगे सर्व करनी तो उनके आगे आप जो क्रैक चीज़ बिल्कुल नहीं रख सकते, वो आपने पूरी ही रखनी, वरना गेस्ट कहेंगे जी टूटे हुए बिस्किट रखे ने, खाता कोई भी साबुत नहीं, खाते सब तोड़ कर ही, लेकिन एक वो फॉर्मेलिटी होती है सर्विंग की उसके लिए। तो ये राइट के लिए हैं मिनी पैक। इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है हल्की हल्की भूख में हल्का फुल्का टक, और टक का साइज़ छोटा हो गया है तो ट्राई करूँगी, बहुत अरसे के बाद मैंने परचेज़ किए हैं कि इसका फ्लेवर वही है, उसी तरह क्रिस्पियर हैं या वो फ्लेवर भी जो है इसका चेंज हो गया है। फिर जी हमारा एज यूजुअल पीनट पिक, तो ये तो लाजमी होता है ना चाय के साथ पार्टी और पीनट पिक। देन जी एक और चीज़ मुझे नज़र आई है, ये है लाहौरी नान खताई, आलमंड है इसके अंदर, तो और कह रहे हैं कि ये जी देसी घी से प्रिपेयर किया हुआ, तो ये ट्राई करेंगे। ये ट्राई करने के लिए मैंने इसका एक टिक्की पैक लिया, मुझे नहीं पता कि वाकई में देसी घी से प्रिपेयर किया हुआ है, और ये जो इसकी प्राइस है ये उसमें है उतनी या नहीं, तो ये आ गई हैं। इसके बाद इसको देखकर तो मुझे हंसी ही आ गई, फिर भी मेरी सिस्टर ने कहा नहीं ये ना हमारी बचपन की यादें हैं, कैंडी वाकई अब कैंडी के साइज़ क्या होगी, पहले ये काफ़ी बड़े साइज़ में होता था और काफ़ी क्रिस्पी होता था, अच्छा इसका फ्लेवर था चॉकलेट फ्लेवर, तो कैरमलाइज्ड होता था, बट अब मुझे नहीं पता इसका फ्लेवर कैसे है, बहुत सालों के बाद ये खाएंगे कैंडी बिस्किट जो कि कैंडी साइज़ में आ गए। देखिए इतनी होती थी ना कैंडी, उतने ही साइज़ में बिस्किट होता, तो कोई फ़र्क नहीं है एक बिस्किट के साइज़ में और जो कैंडी हम खाते हैं। तो ये टिकी पैक मेरी सिस्टर ने ले लिए, तो मुझे हंसी आ रही थी कैंडी कैंडी के साइज़ का हो गया। देन जी हम लोगों ने परचेज़ किए हैं इनोवेटिव के डाइजेस्टिव, ये होल व्हीट बिस्किट हैं और बहुत मज़े के होते हैं, मक्खन से बनाए जाते हैं बेसिकली ये,
मेरी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको मैं ये लाकर देती हूँ। और इसका ये सेकंड पैक भी मैंने दो पैक ले लिए, मैंने कहा चलो अच्छा रहेगा ये खाने के लिए। सो ये दो पैक आ गए डाइजेस्टिव के। तो ये पैक थे, तो वो ये ना बॉक्स जो था इसको फेंक रहे थे, मैंने कहा प्लीज़ इसको ना फेंकें, टिक्की पैक्स हैं और शॉपर में डालेंगे तो वो एक दूसरे में मर्ज होकर ख़राब हो जाएंगे, तो आप जो हो इसको इसी पैक में रख दो। तो इतना गंदा सा मुंह बनाया ना कि जी मैंने क्यों कहा इस पैक में रख दो, मतलब अगर हमने चीज़ें लेनी हैं तो भी वर्कर्स की मर्ज़ी से हम लोग लेंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी मतलब अजीब लगती है। खैर कहते हैं ना कि जो कस्टमर होता है वो किंग होता है, तो उसकी सुननी चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है इस तरह का रूल। थोड़ा मुझे अजीब लगता है, बुरा लगता है। फिर उसके बाद जो है मुझे लेनी थी हॉट वैक्स, और मैंने उनको पिक्चर दिखाई, मैंने कहा आपके पास ये वाली वैक्स है? तो कहते हैं जी यहाँ से नहीं, आपको जो है सेकंड फ्लोर से मिलेगी। तो मैंने सिस्टर से कहा कि चलो चलते हैं सेकंड फ्लोर और वहाँ से जा के जो है ना हम लोग ले लेते हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि वहाँ से, मैंने कहा हाँ हाँ ट्राई कर लेते हैं, क्या पता यहाँ मिल जाए तो हमें जो है बाज़ार ना जाना पड़े। तो मुझे थोड़ी आजकल खौफ सी हो रही है बाहर जाते हुए। तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए और वहाँ पे दिखाई, तो मुझे कहते हैं कि हम तो इम्पोर्टेड चीज़ें रखते हैं और ये वैक्स लोकल है, ये हमारे पास नहीं। मैंने कहा भाई ये लोकल वैक्स नहीं है, ये अरेबियन हनी वैक्स है। कहता हॉट वैक्स, मैंने कहा जी जी ये हॉट वैक्स है। तो कहते हैं ये हमारे पास से नहीं मिलेगी, आप ना रूप सिंह घाट पर पता कर लें, वो दोपहर में 1 बजे तक ओपन होता है। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वेट करती रूप सिंह घाट के ओपन होने का। सो मैंने अपने सिस्टर से कहा कि इसको तो ड्रॉप कर दो और हम लोग चलते हैं। सो हम लोग वहाँ से आ गए। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ स्लेंटी की कहानी। तो स्लेंटी की बड़ी मज़े की कहानी है। आज से 5 साल पहले कुछ हुआ इस तरह कि मेरी खाला की बेटी हमारे घर आई रहने अपने बच्चों के साथ, उसकी 2 बेटियां हैं छोटी। तो वो बहुत ज़्यादा खाया करती थी स्लेंटी, तो मैं उनके लिए, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा तुमने इनको स्नैक्स की आदत डाल दी है और ये लोग इतनी स्लेंटी खाते हैं। तो कहती बस ना बजी ये मुझे तंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं जो है स्लेंटी का पैक है इनको मैं पकड़ा देती हूँ। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहती तीनों फ्लेवर पकड़ा देती हूँ, कभी जलेपिनो खा लेते हैं, कभी सॉल्टेड खा लेते हैं, कभी वेजिटेबल वाला फ्लेवर खा लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पास जो है इधर शॉप पर, हमारे घर के पास जो शॉप है, रॉ स्लेंटी मिलते हैं, मैं वो लाती, वो इनको मैं फ्राई कर देती हूँ। कहती चलो ठीक है। मैंने कहा वो कन्वीनियंट भी रहते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं और उसमें जो है स्पाइसेस नहीं होती कि बच्चों का गला ख़राब हो। खैर वो हमारे घर 15 डेज रही तो वो बच्चों के साथ मुझे भी स्लेंटी वगैरह खाने की आदत पड़ गई। वो काफ़ी वैरायटी और काफ़ी कट्स में थे रॉ में, तो वो मैं फ्राई करती थी, बच्चों के साथ खाती थी। तो वो जब मेरी कज़न चली गई तो कहती है कि जो है ना, मेरे बच्चे कहते हैं कि खाला ने तो हमारा ना टेस्ट ख़राब कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहती वो ना फीके से स्लेंटी खिलाती थी मम्मा, मज़ा नहीं आया उनके घर में, तो आपने हमें यही वाले स्लेंटी ला कर। मैंने कहा अच्छा। फिर कुछ दिनों के बाद जो है एक व्हाट्सएप पर कैंपेन लोगों ने निकाली कि स्लेंटी बैन हो। अब चूँकि स्लेंटी खाने की बड़ी आदत पड़ गई थी, तो जब मैं, मुझे भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर शेयर हुई कि जी स्लेंटी बैन हो रहा है। मैंने कहा अच्छा स्लेंटी ख़त्म कर रहे हैं तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा आप क्या करें? मैंने कहा ऐसा करते हैं, बैन तो हो ही जाना है स्लेंटी, काफ़ी सारे ना पैकेट्स खरीद के रख लेते हैं और खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो मैं जो हूँ इसके 300-400 रुपये के ना मैं ये वाले स्लेंटी के फ्लेवर्ड वाले पैकेट्स ले आए और हम लोगों ने इतनी स्लेंटी खाई कि मेरा गला पकड़ा गया। मतलब वो स्पाइसी थी और वो उसका मसाला वगैरह हम लोग खा रहे थे और एकदम मैंने पानी पिया और वो दोनों का रिएक्शन हो गया, गला पकड़ा गया, काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो वो लेने के देने पड़ गए और मुझे जो है फिर डॉक्टर के जाना पड़ा। डॉक्टर ने अपनी फ़ीस तो अलग ली और साथ में जो है मुझे 1500 के जो है एक टैबलेट्स और सिरप वगैरह लिख दिए कि जी वायरल इन्फेक्शन हुआ है और ये और वो, और ये आपका ब्लड टेस्ट भी लेंगे और देखेंगे जी ये क्यों हो गया है, कि वायरस फैला हुआ है उसकी वजह से क्या। मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा ये तो लेने के देने पड़ गए। तो
7 से 5 साल पहले मैंने इतनी स्लेंटी खाई है कि मेरा गला पकड़ा दिया। तो आज जब स्लेंटी ली तो मेरी सिस्टर कहा ले लो चेंज हो जाएगा, बहुत अरसा हो गया हमने खाई नहीं। मैंने कहा हाँ वाकई 5 साल हो गए हम लोगों ने ना ये स्लेंटी का फ्लेवर नहीं खाया जलेपीनो, हम लोग ये ले लेते हैं। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ कि स्लेंटी खाने से किस तरह जो है मेरा गला पकड़ा गया। खैर आप लोग जब भी स्नैक्स या स्लेंटी खाएं तो कभी भी उसके ऊपर से ठंडा पानी ना पिएं। सो ये आपके लिए नुकसानदेह, आपकी थ्रोट के लिए नुकसानदेह है। कुछ लोग मेरी तरह सेंसिटिव होते हैं तो गले पे इफ़ेक्ट होता है और फिर वो लेने के देने पड़ जाते हैं और लंबा इलाज हो जाता है कि आपने ये 100-200 रुपीज़ के स्नैक्स खाएं, पानी पिया और आपका गला पकड़ा गया, तो वो लंबी बीमारी चलती है। दवाइयाँ तो खैर एंटीबायोटिक्स होती हैं, उन्होंने उतना ही असर करना होता है पर बीमारी ने जो है अपने टाइम पर ख़त्म होना होता है। सो आज के व्लॉग के लिए आप लोगों के साथ बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे कमेंट करना मत भूलें। मुझे आपकी सपोर्ट और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ये शॉपिंग व्लॉग्स की वीडियो आपको कैसी लगती हैं। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मैं दुआओं में आप सबको याद रखूँगी। आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।